हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो आज हम लेके आ चुके हैं एक नई कहानी हमारी कहानी सीरीज़ में। जो प्रीवियस कहानी हमने शेयर की थी मेरे एक फ्रेंड के बारे में जिसका नाम था सुमित और उसका रियल लाइफ इंसिडेंट, वो काफ़ी लोगों को पसंद आई और उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे अपनी हॉरर स्टोरी और अपने रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर किए थे। सो वी आर वेरी ग्लैड अबाउट दैट के यू आर लाइकिंग दिस सीरीज़। सो आज की कहानी बेस्ड है गुरुग्राम में, जो कि दिल्ली की एक एडजेसेंट सिटी है। सो आज की जो हमारी कहानी स्टार्ट होती है, ये ले चलती है हमें गुरुग्राम में, जो कि गुड़गांव नाम से काफ़ी लोगों को पता होगा। गुरुग्राम एक एडजेसेंट सिटी है दिल्ली की, और ये जो कहानी है ये मेरे कज़िन ने मुझे सुनाई थी जो दिल्ली में ही रहते हैं। तो हम चलते हैं गुरुग्राम में। जैसे जैसे दिल्ली की आबादी बढ़ी और वहाँ की ज़रूरतें बढ़ी, तो जैसे हर शहर के साथ उसका साइड का एरिया जो फ्रिंज सिटी होती है उसको डेवलप किया जाता है, उसी तरह इस बार नंबर लगता है गुरुग्राम का। तो गुरुग्राम को भी दिल्ली की जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसका डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट करने लगे, काफ़ी अनयूजुअल चीज़ें सामने आने लगी। जैसे कि एक नई सिटी की प्लानिंग होती है, उसी तरह गुरुग्राम की प्लानिंग की गई थी। रेसिडेंशियल एरियाज़ क्या होंगे, वर्क के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा ताकि वो आने वाले सालों में हमें सेटिस्फाई कर सके इस सिटी प्लांट सिटी से। तो जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा था, काफ़ी अनयूजुअल चीज़ें सामने आने लगी थी। जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा था, तो काफ़ी जगह पे नोटिस किया गया कि वहाँ पे स्केलेटन्स मिल रहे थे, और स्केलेटन्स भी ऐसे कि जो काफ़ी पुराने हैं। कहीं स्केलेटन्स मिल रहे थे जो कि डिस्पर्स थे, और कहीं कहीं तो बहुत सारे एक साथ मिलते थे। तो फिर पता चला कि जैसे मुग़ल टाइम में ये एक ट्रेड रूट के बीच में बिलोंग करती थी, एंड जयपुर से अगर कोई दिल्ली आ रहा है तो गुरुग्राम वुड बी दी पाथ टू इनकम इन टू दी सिटी दिल्ली। सो ऐसा समझा जाता है कि काफ़ी ट्रेडर्स जब आते थे यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए, तो उनसे लूट होती थी, और पुराने टाइम में जो उन्हें ठग्स कहा करते थे, वो लोगों का सामान लूट कर उन्हें वहीं पे मार दिया करते थे। तो वो पाथ गुरुग्राम से होते हुए निकलता है, एंड वही चीज़ है आज के समय में। जब गुरुग्राम की प्लानिंग करके उसे बना रहे थे, तो वो चीज़ें एक्सकवेट हो रही थी, सामने आ रही थी। सो ये एक रफ़ बैकग्राउंड था कि कैसे गुरुग्राम को डेवलप कर रहे थे और क्या हुआ। तो जैसे कि बहुत लोगों को पता होगा कि जैसे मुंबई, बैंगलोर MNCs के लिए एक हब है, उसी तरह गुरुग्राम में भी काफ़ी तरह के MNCs है। आप सोचिए, और वो MNCs अवेलेबल हैं गुरुग्राम में। तो ये स्टोरी हमें ले चलती है 2005 में। एक उद्योग नगर करके एक एरिया डेवलप हुआ था इनिशियली। आज तो काफ़ी गुरुग्राम स्प्रेड है, लेकिन इनिशियली एक जगह थी जहाँ थोड़ी बहुत IT कंपनीज थी। तो उस एरिया का नाम था उद्योग नगर, एंड वहाँ पे एक BPO हुआ करता था जिसका नाम था सैफरन। तो इनिशियली जैसे आउटसोर्सिंग कंपनीज आई थी, ये काम वो आउटसोर्स करती थी इंडिया में, तो उसी तरह का ये सैफरन BPO था। तो ये स्टोरी हमें जो मेन कैरेक्टर है हमारा उसके तरफ लेके चलती है, जिनका नाम था रोज़। तो रोज़ एक लड़की है जो ये सैफरन BPO में एज एन एम्प्लॉय काम करती है, एंड यहाँ पे वो तकरीबन 3-4 साल से काम कर रही हैं, एंड शी हैज़ बीन अ वेरी गुड एम्प्लॉय ऑफ़ दी फर्म। तो जैसे कि BPO का काम यूजुअली लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं एक रफ़ आइडिया देना चाहूँगा। BPO एक कॉल बेस्ड सर्विस होती है, जहाँ पे जैसे हमको कोई भी इशू होता है, हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, एंड वो हमारा कोई भी इशू होता है उसका एक रेजोल्यूशन विद इन लाइक 3 to 5 minutes, जो एक नॉर्मल एवरेज टाइम पीरियड होता है, उसमें वो हमको एक रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक नॉर्मल डे है सैफरन BPO में, जहाँ सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो एक रफ बैकग्राउंड, रोज़ काफ़ी अच्छी एम्प्लॉय है अपने इस फर्म की, एंड फॉर पास्ट कपल ऑफ मंथ्स वो एम्प्लॉय ऑफ दी मंथ भी हो रही है। काफ़ी उसके सीनियरों के नज़रों में एंड HR के नज़रों में शी हैज़ मेड हर प्लेस, और काफ़ी एक अच्छी एम्प्लॉय है जो अपना काम काफ़ी अच्छे तरीके से करती है। तो एक यूजुअल सा दिन है जब वो अपना काम कर रही है, उसके सारे फ्रेंड्स और कलीग्स सब काम कर रहे हैं, कॉल्स का सिलसिला उसी तरह शुरू हो जाता है, और उसी बीच एक कॉल रोज़ को आता है, और रोज़ वो फ़ोन पिक करती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक कॉल का वहाँ पे एवरेज ड्यूरेशन होता है 3 to 5 minutes, जिसके बीच में वो रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अनयूजुअल चीज़ उस दिन ये होती है
कि वो कॉल काफ़ी लंबा चलता है, तो उसके मैनेजर को भी ये नोटिस होता है कि ये कौन सा कॉल है जो इतना देर ले रहा है एक रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने में, जिसके बीच में ये रोज़ लगी हुई है। पहले आधा घंटा हो जाता है, फिर एक घंटा हो जाता है, तो ये काफ़ी एक अनयूजुअल चीज़ उसके मैनेजर को भी लगती है। एंड वो सोचते हैं कि जैसे ही ये कॉल ख़त्म होगा वो रोज़ से इस बारे में जाके बात करेंगे। लेकिन टू दी सरप्राइज, जैसे ही कॉल ख़त्म होता है, रोज़ काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेसिव फील करती है। एंड वो अपना जस्ट बैग उठाती है एंड शी लीव्स दी वर्क प्लेस। उसके साथ के कलीग्स उसे पूछते हैं कि व्हाट्स दी मैटर, और क्या कुछ इशू हुआ है कि आपने जिससे बात की कॉल पे, तो वो कुछ बोलती नहीं है, सब ठीक है करके बोलती है एंड वो चली जाती है ऑफिस छोड़ के। तो मैनेजर को भी लगता है, जब तक वो मिल नहीं पाते उन्हें भी लगता है कि हो सकता है कि कोई कस्टमर मजाक कर रहा होगा, या शी इज़ फेड अप ऑफ समथिंग, या उन्हें कुछ तो बुरा लगा है। तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल वो आ जाएंगी, तब उनसे पूछ लेंगे कि व्हाट्स दी मैटर एंड क्यों वो बीच में ही काम छोड़ के चली गई थी। एंड फिर वो दूसरे दिन का इंतज़ार करते हैं, लेकिन रोज़ उस दिन नहीं आते हैं। एंड ये चीज़ तकरीबन एक डेढ़ हफ्ता हो जाता है, एंड 10 दिन हो जाते हैं, 15 दिन हो जाते हैं, रोज़ ऑफिस नहीं आती है, और देयर इज़ नो नोटिफिकेशन रोज़ की तरफ से। कोई भी अपने सीनियर को या अपने कलीग को कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी जाती है कि वाई शी इज़ नॉट कमिंग टू दी ऑफिस, वो ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं, या कुछ रीज़न क्या है उस डीले का, तो ये किसी को पता नहीं चल पाता है। तो सीनियर जो उनके ऑफिस के होते हैं, एज़ शी वॉज़ अ वेरी गुड एम्प्लॉय, सबको फिक्र होती है कि उन्हें पूछना चाहिए बीइंग अ गर्ल कि वो ठीक तो है कि नहीं, इवन एचआर इज़ कंसर्न के क्या हुआ है। तो वो ट्राई करते हैं उन्हें लोकेट करने का। एंड तब 2005 में हमारे पास जैसे आज फ़ोन होते हैं वैसे फ़ोन नहीं हुआ करते थे, काफ़ी रेयर होते थे, कुछ लोगों के पास फ़ोन हुआ करते थे। तो एचआर और उनके सीनियर एम्प्लॉय जो होते हैं वो ट्राई करते हैं उन्हें लोकेट करने का। एंड वो ट्राई करते हैं जो कैब सर्विस उनको प्रोवाइड की गई होती है, एज बीपीओ का जो काम होता है दैट इज़ 24/7 आउटसोर्स करते हैं, तो काफ़ी कंट्रीज़ में बाहर उनका काम होता है, तो जो शिफ्ट होती है दैट इज़ ए 24-आवर शिफ्ट। तो ऐसे काफ़ी बार हुआ होता है कि रोज़ ने नाइट शिफ्ट की है एंड शी हैज़ टेकन एन ऑफिस कैब। तो ऑफिस के कैब ड्राइवर को फाइनली उनको पिन पॉइंट करके उनको पूछते हैं कि ये एम्प्लॉय है, ये रोज़ है, और इनको आपने काफ़ी बार घर पे छोड़ा है, तो आप क्या इनका घर लोकेट कर सकते हैं। एंड वो उनके लिए काफ़ी इजी होता है, कैब ड्राइवर इजीली पहचान जाते हैं उनकी फ़ोटोज़ और उनके बारे में जैसे ही वो बताते हैं। तो कैब ड्राइवर काफ़ी इजीली बोलते हैं कि ये इनका घर मुझे पता है, और मेरे साथ आप एक एम्प्लॉय भेज दीजिए और मैं इनके घर पर आपको ले चलता हूँ। तो उसी शाम जैसे ही सब लोगों का काम ख़त्म होता है, तो ऑफिस के दो एम्प्लॉय अलॉन्ग विद दैट कैब ड्राइवर उनके घर पे जाते हैं पूछने के लिए, जहाँ यूजुअली ड्रॉप लेते थे रोज़। तो जैसे ही बताए हुए घर पे वो नॉक करते हैं और दरवाज़ा खोलता है, तो वो डिटेल्स बताते हैं कि ये हमारी एक एम्प्लॉय है जो यहाँ पे ड्रॉप लेते थे और शी इज़ स्टेइंग हियर, तो उनके बारे में हमें पूछना है कि वो ऑफिस नहीं आ रहे एंड वी आर कन्फ्यूज्ड कि ऐसा क्या हुआ है एंड इज़ शी डूइंग गुड। तो वो उन्हें बताते हैं, लेकिन टू दी सरप्राइज जो घर में रहते हुए लोग हैं वो कहते हैं कि आप तो या तो गलत एड्रेस पे आए हैं या आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो यहाँ नहीं रहते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये घर वाले ऐसे क्यों बोलेंगे, लेकिन फिर वो और उस एरिया में ट्राई करते हैं कि हो सकता है कि बीइंग अ गर्ल उसने कुछ दूसरा एड्रेस प्रोवाइड किया हो अपना सेफ्टी रीजंस के लिए। लेकिन वो आसपास के पीजीओ में भी पूछते हैं, लेकिन कहीं पे भी उनको कुछ उसके बारे में डिटेल नहीं मिलती है। तो फिर वो एम्प्लॉय जाके सीनियर मैनेजर्स जो होते हैं उनके ऑफिस के और एचआर को ऐसे बताते हैं कि हमने जहाँ पे वो उतरते थे हमने वहाँ पे काफ़ी लोगों को जाके पूछा, लेकिन हमें उनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं मिला। तो ये जो सिचुएशन होती है ये काफ़ी और उलझ जाती है, सीनियर्स काफ़ी परेशान होते हैं कि जो एम्प्लॉय गए थे उन्हें भी उनके बारे में पता नहीं चला, एचआर परेशान हो जाते हैं कि शी बीइंग अ गर्ल कि वो उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ है, वो कहाँ पे हैं, ना ही उनके तरफ से कोई मैसेज आ रहा है। तो वो और ट्राई करते हैं एंड फाइनली एक दो महीने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका जो एड्रेस है वो कहीं और का है,
गुरुग्राम से कुछ थोड़ी दूर पे उनका घर के बारे में पता चलता है। एंड दिस टाइम जो सीनियर मैनेजर हैं और एचआर हैं फर्म के, वो खुद सोचते हैं कि हम एम्प्लॉय को नहीं भेजेंगे, हम ही खुद जाके पता करेंगे कि क्या है मैटर उनके साथ एंड व्हाई शी इज़ नॉट कमिंग टू द ऑफिस। तो वो जाते हैं एंड फाइनली उन्हें घर मिलता है, नॉक करते हैं, एक अंकल आके दरवाज़ा खोलते हैं, जिनको वो सारी चीज़ें बताते हैं कि ये एक रोज़ लड़की हमारे बीपीओ में काम करती थी गुरुग्राम में। एंड एक दिन उनको कॉल आता है और उसके बाद वो घर चले जाते हैं, और उसके बाद एक डेढ़ महीना हो गया है और वो अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। तो हम उनका एड्रेस ढूंढते ढूंढते हमें अब पता चला है कि ये उनका एड्रेस है। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्यों नहीं आ रहे ऑफिस? तो जब ये मैनेजर और एचआर की टीम उनके फैमिली को ये बताते हैं, तो जो सामने वाले अंकल होते हैं वो ये तो कहते हैं कि आप घर पे तो सही आए हैं, ये रोज़ का ही घर है, लेकिन आप मुझे डिटेल्स दिखा सकते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि वो आपके ऑफिस में काम कर रही थी और एक महीने पहले तक वो काम कर रही थी, आप डिटेल्स दिखा सकते हैं? तो उसके अगेंस्ट जो टीम होती है वो ने उनका एम्प्लॉय कार्ड दिखाती है, उनका सारा काम किया हुआ बताती है कि किस टीम में वो काम कर रहे थे और क्या काम कर रहे थे। तो इसके बाद एक काफ़ी एक अनयूजुअल चीज़ होती है, उनके पिता ये कहते हैं कि आप एड्रेस पे तो सही आए हैं लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि वो वहाँ पे काम कर सकती है करके। तो उस पे मैनेजर और वो टीम कहती है कि क्यों नहीं पॉसिबल है? तो उनके पिताजी कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज उनकी जो डेथ है वो 8 साल पहले हो चुकी है, और वो उन्हें उनकी फ़ोटो भी दिखाते हैं, तो फ़ोटो बिल्कुल वही होती है जो उनके घर में लगी होती है और जो मैनेजर के पास उनके आईडी कार्ड में होती है। तो पेरेंट्स तो डिनाई कर देते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जिसकी मौत 8 साल पहले हो चुकी है वो आपके ऑफिस में 3-4 साल से कैसे काम कर रही है, एंड शी इज़ मिसिंग फ्रॉम 1 मंथ। तो आप सोच सकते हैं कि जब उनके पेरेंट्स उन्हें बताते हैं कि उसकी डेथ 8 साल पहले हो चुकी है, तो जो सीनियर एम्प्लॉय है और एचआर की टीम है उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और उन्हें कैसा लगेगा कि जो एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहा है, हु हैज़ बीन अ गुड एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, आपके साथ रोज़ उठ रहा बैठ रहा है, और उसके पेरेंट्स आपको बता रहे हैं कि वो तो 8 साल पहले ही मर चुका है। तो ये जैसे खबर सीनियर मेंबर्स ऑफ दी फर्म को पता चलती है, काफ़ी एक डर का माहौल पैदा हो जाता है पूरे फर्म में, एंड ये पूरी एक न्यूज़ एक आग की तरह पूरे उस एरिया में फैल जाती है। एंड उसके बाद पता चलता है कि काफ़ी लोगों के साथ अनयूजुअल और पैरानॉर्मल ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसके बारे में फिर वो बताना शुरू करते हैं। कुछ लोगों के साथ वॉशरूम में काफ़ी अनयूजुअल चीज़ है कि लाइट बंद होना, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आना। जो पार्किंग में वॉचमैन है उसने काफ़ी बार बताया कि वो जब काम करता है तो उसे कोई मारता है, कोई औरत चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो फिर ये चीज़ें काफ़ी लोगों को पता चलती है, एंड इसके बाद एक जो रिज़ल्ट निकल के आता है कि गुरुग्राम एक काफ़ी पुरानी एक सिटी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन छोटी एक लोकेलिटी होती है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ट्रेड रूट के बीच का एक ये पाथ था, एंड काफ़ी लोगों की इसमें डेथ होती थी, जो लोग मार देते थे एक दूसरे को, मर्डर कर देते थे, तो वो ऐसे ही उन्हें दफना दिया करते थे। तो इस चीज़ के बारे में तो नहीं पता चलता है कि रोज़ कौन थी एंड हु वाज़ वर्किंग देयर, लेकिन ये पता चलता है कि जो उनका सैफरन जो बीपीओ है उद्योग नगर में, वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना था। एंड जो उनके एम्प्लॉय जो रोज़ के कलीग्स होते हैं, ये बात जब वो सुनते हैं तो एक उनके टीम मेम्बर को तो हार्ट अटैक आ जाता है, एंड काफ़ी लोग छोड़ के जाने लगते हैं। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी जो मुझे मेरे कज़िन से पता चली थी, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड अगर आप इंटरनेट पे भी इसे सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल पता चलेगी। एंड ये लोगों के साथ हुई है, एंड जो लोग और जो कलीग उस ऑफिसेस में काम करते थे उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस इसके बारे में लिखा है, तो आप इसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। सो ये थी आज की कहानी जिसमें हम गुरुग्राम गए थे। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है एंड हमारे कहानियाँ सीरीज़ की और सारी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ डू चेक आउट आवर प्लेलिस्ट। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम मी एंड विनी, और मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर क्लोज वंस, एंड मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में। टिल देन थैंक यू सो मच।